हेलो स्टूडेंट्स, तो अब अपन डिस्कस करते हैं नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन। देखो तुम्हें याद होगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में भी हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया था कि नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डेट डेट कंपाउंड दिया था मैंने कुछ ऐसा C4H8C6H12 ऐसे क्वेश्चन दिया था। वहां पे तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म करने पर रहे थे और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखना था तुम्हें। ऐसे कुछ कराया था, नंबर ऑफ कार्बन का चेन कम करते जा रहे थे और डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर रहे थे। वहां हमारे पास मोस्ट चैलेंजिंग क्या था वो पार्ट कि अपने लिए कोई नंबर ऑफ स्ट्रक्चर अगर एक भी बच्चों अब तुम भूल गए स्ट्रक्चर लिखना, तुम ड्रॉ नहीं कर पाए तो तुम्हारा ऑप्शंस में रहेगा 5, 6, 7, 8 ऑप्शन रहा। मान लो तुमने 5 लगाया और 6 आंसर करेक्ट था तो वो तुम्हारा गलत हो जाएगा। वहां पे तुम्हें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे। लेकिन सोचो यहां पर बच्चों क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के फॉर्मूला के लिए क्वेश्चंस के लिए कि क्वेश्चन पूछा कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल फॉर गिवन कंपाउंड, मींस एक कोई सा भी कंपाउंड दिया और अपने को पूछ रहा है नंबर ऑफ जीआई कितने बनेंगे। तो तुम्हें यहां पे बहुत इजी होगा, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉर्म नहीं करने पड़ेंगे। तुम्हें क्या करना होगा बच्चों बताओ, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। लेकिन वो फॉर्मूला जो अप्लाई करोगे फॉर्मूला तुम्हें फर्स्ट याद रखना होगा और कब अप्लाई करेंगे कौन सा फॉर्मूला ये ध्यान रखना होगा। उसमें जो वैल्यू डेटा जो पुट करेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसा नहीं कि डायरेक्टली अपन क्वेश्चंस में फॉर्मूला पे बिठाया, फॉर्मूला में जो डेटा है वो डेटा तुम्हें मिलेगा ना, तभी क्वेश्चंस में मिलना चाहिए, वो तुम्हारे लिए यहाँ पे चैलेंजिंग रहेगा। लेकिन मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि यहाँ पर ना तुम्हारा क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएगा, तुम्हें सब कुछ फाइंड आउट करना आ जाएगा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वाले पार्ट से आइसोमर्स से थोड़ा इजी पार्ट है ये, क्योंकि अगर आपने फॉर्मूला अच्छे से याद कर लिया तो तुम्हारे क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूं गलत नहीं होंगे। अगर तुमने पहले का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है तो ठीक है। तो अपन स्टार्ट करें, क्वेश्चन है मींस टॉपिक है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो सबसे पहला काम क्या है अपने को, जब भी तुम्हें नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फाइंड आउट करने बोला जाए क्वेश्चन में, तो आप सबसे पहले उस कंपाउंड के बारे में पता करो, जो भी कंपाउंड देंगे उस कंपाउंड के बारे में तुम्हें क्या पता करना है बच्चों, उस कंपाउंड के बारे में हमें यह जानना होगा कि वो कंपाउंड सिमेट्रिकल है और अनसिमेट्रिकल है। यानी अपने पास एक और आ गया टर्म, भाई सिमेट्रिकल क्या होता है और अनसिमेट्रिकल क्या होता है। तो ये देखते पहले सबसे पहला ये पॉइंट कि सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल होता क्या है। एक कंपाउंड लिख रहा हूं मैं, सिंपल सा कंपाउंड लिख रहा हूं, ये वाला कंपाउंड देखो अच्छे से देखना, ये एक एल्किन है, एल्का डाइन वाला कंपाउंड है, मोर देन वन डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है ठीक है। अब तुम पहले सबसे पहले सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल डिसाइड करने से पहले नंबर ऑफ कार्बन देखना जरूरी है। नंबर ऑफ कार्बन देखो, अगर कोई कंपाउंड ओपन चेन होगा तो नंबर ऑफ कार्बन देखो, फॉर एल्किन बोल रहा हूं भाई, एल्किन बोल रहा हूं ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन से मैंने देखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 को डिवाइड करोगे 3, 3 में करोगे। बट मान लिया एक कंपाउंड और है अपने पास जिसमें नंबर ऑफ कार्बन अपने पास ऐसा कुछ है 3, 2, 6, 7 कार्बन वाला, तो आप डिवाइड कैसे करोगे, मीन 6 कार्बन था, 3 को इस साइड रखा, 3 को इस साइड रखा, बीच से कट करोगे यानी कार्बन को कट नहीं करोगे। लेकिन इस केस में 7 आ रहा है अगर, तो 3 इस साइड 3 इस साइड बीच से एक कार्बन कट करोगे। समझ में आ रही बात, लाइक अपने पास एक कोई सा भी ये है देखो, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स कार्बन। तो मैं यहां पे इस बॉन्ड को कट करूंगा और मैं देखूंगा ये वाला स्ट्रक्चर सेम है या नहीं है ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ 7 कार्बन, ऑड नंबर ऑफ कार्बन जब हो तो आपको कार्बन कट करना होगा, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है तो अपन 3 रखे इस साइड, 3 रखे इस साइड और इस कार्बन को कट किया, कार्बन हाफ हाफ पार्ट डिवाइड हो गया, 3.5 कार्बन इस साइड, 3.5 कार्बन उस साइड, यहां 3 कार्बन 3 कार्बन। अब देखने का अपने को ये है कि जब दोनों पार्ट को देखोगे अच्छे से तो तुम्हें दोनों सेम इक्वल सेम मिलना चाहिए, मींस लाइक मिरर इमेज मिलना चाहिए, मींस वहां तुमने मिरर रख दिया तुम्हें सेम स्ट्रक्चर इस साइड स्ट्रक्चर सेम रखोगे मींस मिलेगा ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, अगर मैंने इस कंपाउंड को देखा CH, यहां भी CH है, डबल बॉन्ड CH CH, सिंगल बॉन्ड CH3 CH3 सेम इक्वल, तो क्या बोलोगे इसे, जब सेम इक्वल होगा तो इसे बोलेंगे, इस टाइप के एल्किन को बोलेंगे सिमेट्रिकल, एकदम सेम होना चाहिए ठीक है, कुछ भी डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अब इसमें देख लेते हैं, मैं बोल रहा हूं कुछ भी डिफरेंट नहीं होना चाहिए,
कार्बन कट गया, चलो हाफ हाफ कार्बन तो डिवाइड हुआ, लेकिन भाई यहां पे इस साइड देखा तो मैंने एक सिंगल बॉन्ड वाला है, ठीक है, लेकिन इस साइड देखा तो डबल बॉन्ड है, पहले ही अलग हो गया, डिफरेंट हो गया, साथ में फिर कार्बन आया ठीक है, लेकिन यहां सिंगल बॉन्ड, यहां से डबल बॉन्ड, तो गलत दिख रहा है, मींस दो इक्वल लग रहा है क्या, तुम्हें इक्वल लग रहा है। सब बोलोगे सर इधर भी एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड है, दो सिंगल बॉन्ड है, सर इधर भी एक दो सिंगल बॉन्ड है एक डबल बॉन्ड है, तो इक्वल होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, मिरर इमेज, जैसे तुमने इस साइड स्टार्ट करो फिर इस साइड देखो, दोनों सेम दिखना चाहिए, तभी मीन्स यहां डबल बॉन्ड है तो यहां डबल बॉन्ड होना चाहिए था। समझ में आई बात, लाइक देखो यहां से बॉन्ड ये कट किया तो यहां कार्बन डबल बॉन्ड ऐसा दिखना चाहिए था, इसीलिए ये सेम नहीं है, तो इसे क्या बोलोगे, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ओके, ये अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, ये सिमेट्रिकल कंपाउंड है, मैं ये एक्सपेक्ट करूं तुम्हें आगे अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल डिसाइड करना, कोई साइक्लिक कंपाउंड में भी डिस्कस करना है, चलो कर लेते हैं। यहां पे देखता हूं मैं एक कंपाउंड लिख रहा हूं, और यहां पे मैं हाइड्रोजन लिखा सीएल लिखा, यहां भी हाइड्रोजन लिखा सीएल लिखा। अब तुमने क्या किया, मैंने बोला कि कट करो, कैसे कट करोगे, ये कट करोगे बीच से, तो तुम्हें दोनों इक्वल मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं, बोलो जल्दी, हाइड्रोजन सीएल दोनों साइड सेम, यहां भी सी एच टू यहां भी सी एच टू, ये वाला कार्बन कट हो गया, समझ में आया। अब देखो साइक्लिक में पांच कार्बन है, ऑड है, तो एक कार्बन को तो कट करना ही होगा बीच से, तो ऐसा कट किया जिससे ये सी एच टू सेम मिला, यहां पे सी एच सी एल यहां सी एच सी एल, यानी ये भी सिमेट्रिकल है, साइक्लो एल्केन है, ठीक है। तो ऐसे आ जाएगा जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तुम्हें देखने से ही पता चल जाएगा बच्चों कि कैसा है, सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है। नेक्स्ट, ये मैं बोल रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं तुम्हें, हर कंपाउंड को देखने से समझ में आ जाएगा सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल, अपन एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, क्या है नेक्स्ट पॉइंट, क्या है बच्चों, नंबर ऑफ सिस्टम वेयर जीआई इज पॉसिबल इज इक्वल टू एन लिखा है। अब अपने फॉर्मूला में एन आएगा, अपने फॉर्मूला में बच्चों एन आएगा, स्मॉल एन, बट मीन्स वो फॉर्मूला में एन कैसे फाइंड आउट करें, कंपाउंड में कैसे एन फाइंड आउट करो, ये अपने लिए यहां पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तुम्हें जहां पे ध्यान देना अच्छे से कि n कैसे फाइंड आउट करें। तो मैंने n क्या होता क्या है भाई, n होता है नंबर ऑफ सिस्टम वेयर gi इज पॉसिबल, लाइक तुम्हें इतने सिस्टम उस कंपाउंड में कितने सिस्टम है जहां पे तुम देख रहे हो कि वहां पे gi पॉसिबल है, हो सकता है, और कहां पे gi पॉसिबल नहीं वो नहीं हो गए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अपन देखेंगे, ठीक है, एन फाइंड आउट कर लिया, वो क्वेश्चन से तुम्हें पता चलेगा, तो तुम क्या करोगे, अगर तुम्हारा अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है लाइक दिस और अगर सिमेट्रिकल कंपाउंड है लाइक दिस, तो तुम्हें क्या करना है, जो हमारा फॉर्मूला होगा बच्चों वो होगा द नंबर ऑफ जी आई इज इक्वल टू 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 द पावर एन, नंबर ऑफ जी आई इज इक्वल टू 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 द पावर एन। बट इफ सिमेट्रिकल कंपाउंड, अगर सिमेट्रिकल कंपाउंड है तो अपने को फॉर्मूला लेकर लिखना होगा नंबर ऑफ जी आई इज इक्वल टू 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 द पावर एन माइनस वन प्लस टू टू द पावर एम माइनस वन। अब अपने पास एम क्या होता है भाई, एन तो पता कर लिया आपने कि नंबर ऑफ जीआई वेयर सिस्टम इज पॉसिबल, जीआई नंबर ऑफ सिस्टम वेयर जीआई इज पॉसिबल इज एन, बट व्हाट इज एम, एम क्या है, तो एम क्या है, एम इज इक्वल टू एन बाई टू, एम की वैल्यू एन से डिटरमाइन करोगे, एन से फाइंड आउट करोगे कैसे, अगर तुम्हारा एन लाइक नंबर ऑफ सिस्टम वेयर जीआई इज पॉसिबल दो आए, टू है, तो टू इज इवन नंबर, तो इवन होगा तो एम कैसे फाइंड आउट करोगे, टू बाई टू एन बाई टू। बट मान लो कि कोई ऐसा क्वेश्चन है कंपाउंड है जिसमें सिस्टम तुम्हारे पास तीन सिस्टम आए, मीन ऑड नंबर आया, तो तुम क्या करोगे, थ्री प्लस वन बाई टू, एन इज इक्वल टू एन प्लस वन बाई टू, ठीक है। तो ये थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाएगा जब सिमेट्रिकल कंपाउंड होगा, तो ट्राई करो अगर तुम्हारा एग्जामिनर थोड़ा इजी बनाना चाहेगा तो क्या करेगा, अनसिमेट्रिकल देगा, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला टू टू द पावर एन माइनस वन लगाओ, बट अगर सिमेट्रिकल दे दिया तो ये इतना लंबा फॉर्मूला अप्लाई करो, याद करो, टू टू द पावर एन माइनस वन प्लस टू टू द पावर एन माइनस वन। ओके चलो, फॉर्मूला या वगैरह तो याद हो जाएगा। अब अपन क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करें ये भी देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सब लोग सोच के बताओ सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है, अरे भाई ये तो मैंने सिखाई दिया पहले ही, सोचो कैसे करोगे सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, बहुत सारे तरीके हैं, मैंने बोला था सिक्स कार्बन है, थ्री थ्री डिवाइड कर दिया, यहां पे देखा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन सी एच थ्री, ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल है, ये क्या है सिमेट्रिकल,
और सिमेट्रिकल के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे बताओ, क्या करोगे, क्या करना रहेगा, ये वाला फॉर्मूला। बट एन कैसे फाइंड आउट करें हम, एन कैसे फाइंड आउट करें, इस एन को फाइंड आउट करना अपने लिए सोचना है। तो तुम ये बताओ कि ये वाला कंपाउंड जीआई शो करेगा, पहले ये तो सोचना होगा ये कंपाउंड जीआई करेगा क्या। तो सर हाँ करेगा जीआई, आपने बोला था डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में करता है जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होता है एल्कीन में। लेकिन सर यहाँ पे डबल बॉन्ड आपने बोला दो है, तो उस दोनों डबल बॉन्ड को चेक करना होगा कि दोनों डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में जीआई पॉसिबल है। लाइक यहाँ पे डबल बॉन्ड चेक किया तो मैंने क्या क्या सिखाया था तुम्हें डबल बॉन्ड चेक करने के लिए, कब कौन सा डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड जीआई करता है, जब तुम इंडिविजुअल इस यूनिट के साथ इस कार्बन को चेक करोगे और डिफरेंट यूनिट्स अटैच होनी चाहिए। तो लाइक इसके पास हाइड्रोजन है और ये वाला ग्रुप इसके इस रिस्पेक्ट में ये वाला ग्रुप है, तो दो डिफरेंट है। फिर तुमने ये चेक किया हाइड्रोजन और ये वाला ग्रुप है, हाँ सर ये डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में जीआई पॉसिबल है। फिर तुमने ये चेक किया इसमें तो CH3, तो यहां पे दो डिफरेंट ग्रुप है। फिर यहां चेक किया ये डबल बॉन्ड है H और ये पूरा बड़ा सा ग्रुप, तो यहां भी जीआई पॉसिबल है। तो ऐसे कितने जगह है जहां पे जीआई पॉसिबल है, कितने डबल बॉन्ड है, दो है। तो नंबर ऑफ सिस्टम, वन सिस्टम टू सिस्टम, यहां एन क्या आ गया, एन इज इक्वल टू टू सिमेट्रिकल। ये दो पॉइंट मेरे को पहले डिसाइड करने हैं, सिमेट्रिकल और एन फाइंड आउट करना है, फिर तो फॉर्मूला मेरे को याद है अच्छे से। सिमेट्रिकल के लिए टू टू द पावर एन माइनस वन प्लस टू टू द पावर एन माइनस वन, एन माइनस वन इज टू माइनस वन प्लस एन कैसे होगा इवन है, टू इवन है ना, तो n इज इवन एन बाई टू, तो टू बाई टू माइनस वन इसी में लगा देते हैं फॉर्मूला। तो टू टू द पावर वन प्लस टू बाई टू वन, वन माइनस वन जीरो, टू टू द पावर जीरो इज इक्वल टू टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री, क्योंकि टू टू द पावर जीरो इज वन, तो टू प्लस वन थ्री। आंसर क्या होगा इसके, नंबर ऑफ जी आई कितने बनेंगे, थ्री। समझ में आई बात, कुछ डाउट है देख लो अच्छे से स्ट्रक्चर देख लो, कुछ डाउट है तो पूछो। ओके आगे बढ़े, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड कंपाउंड में इस साइड लिख रहा हूं, थोड़ा बड़ा है कंपाउंड। और सबसे पहले मैं एक डीपीपी में मैंने ये क्वेश्चन भी दिया है कि तुम्हें एक कंपाउंड दे दिया और उसमें पूछा कि नंबर ऑफ सिस्टम वेयर जीआई इज पॉसिबल, कितने सिस्टम है जहां जीआई पॉसिबल है। लाइक इस क्वेश्चन में अपने पास दो आया, टू सिस्टम था, तो इस कंपाउंड में पता करो कितने सिस्टम है जहां जीआई पॉसिबल है, वेयर जीआई इज पॉसिबल। डबल बॉन्ड यहां रखा है, CH2 रखा है और यहां पे कुछ बच्चों ऐसा रखा है। सबसे पहले जो कंपाउंड, जब भी जीआई का कंपाउंड आया ना बच्चों, क्वेश्चन आए ना, सोचना स्टार्ट करो जो मैंने सीक्वेंस बताया, लाइक एल्कीन, इमाइन, और क्या बताया था, एल्कीन, इमाइन और अपने पास एजो कंपाउंड, तीन हो गए। फिर बताया था सर ने साइक्लोएल्कीन। तो साइक्लोएल्कीन के लिए क्या कंडीशन था, नंबर ऑफ कार्बन रिंग में एट होने चाहिए, तो ये साइक्लोएल्कीन है, साइक्लिक रिंग में एल्कीन डबल बॉन्ड हो तो साइक्लोएल्कीन बोलेंगे। इसके लिए एट कार्बन है क्या, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 एट कार्बन है, यानी ये कंपाउंड जीआई करेगा, साइक्लोएल्कीन के रिस्पेक्ट में तो जीआई करेगा, यानी ये डबल बॉन्ड जीआई करेगा। समझ में आ रहा है क्या, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में जीआई पॉसिबल है, मींस ये सिस्टम है जहां पे जीआई पॉसिबल है, क्योंकि इस डबल बॉन्ड को चेक करोगे तो नंबर ऑफ कार्बन बस 8 से ज्यादा हो या 8 हो तो तुम्हारा जीआई पॉसिबल होगा साइक्लोएल्कीन में, ठीक है। फिर मैंने बोला था एल्कीन के लिए, एल्कीन ये है, ये बाहर है, तो सिंपल एल्कीन वाला कंपाउंड है, क्या चेक करने बोला, सिखाया क्या था तुम्हें, यहां पे एच है, यहां पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, दो डिफरेंट मिल गया यहां पे। फिर इस कार्बन से देखो ये पूरा बड़ा सा ग्रुप और इसके साथ एक हाइड्रोजन, ऑब्वियसली कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन है बच्चों, वो लिख के नहीं देंगे, ठीक है, हाइड्रोजन है। अब यहां पे डिफरेंट ग्रुप, यहां पे डिफरेंट ग्रुप, तो यहां भी जीआई पॉसिबल है, तो एक सिस्टम हो गया, दूसरा सिस्टम हो गया, टू सिस्टम। ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड जहां भी दिखेगा तुम कर लो, फाइंड आउट करो, करने का ट्राई करो डबल बॉन्ड। चलो ये कार्बन ऐसा, इसके साथ एक हाइड्रोजन तो होगा और ये वाला पूरा बड़ा ग्रुप, तो यानी इस कार्बन पे तो दो डिफरेंट ग्रुप अटैच है। बट इस CH2 को देखो, अगर मैं इसे ब्रेक करके लिखूं तो ऐसा लिखूंगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन सर सेम आ गया, तो जीआई पॉसिबल नहीं है, इस सिस्टम के अराउंड जीआई पॉसिबल नहीं है। कितने सिस्टम हो गए, टू, आंसर टू होगा क्या।
और देखने से कैसा लग रहा है भाई, किसी पैसे भी कट करो कंपाउंड को, कैसा भी टू इक्वल पार्ट में मिलेगा क्या, डिवाइड होगा क्या, नहीं मिलेगा, तुम्हें डिवाइड हो ही नहीं सकता है, इसलिए ये कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है। सबसे पहले ये तो ये देखने से पता चल रहा है ये कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है, कहीं से भी कट करके देख लो कि टू इक्वल पार्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। फिर सिस्टम जो था साइक्लो एल्केन के बारे में सोचो, मैंने जीआई में साइक्लो एल्केन में क्या दिखाया था, साइक्लो एल्केन के लिए क्या बोला था, मिनिमम टू सैचुरेटेड कार्बन एटम होना चाहिए, ये लिखवाया है मैंने, मिनिमम टू सैचुरेटेड कार्बन एटम मींस रिंग के अंदर, साइक्लिक रिंग के अंदर दो मिनिमम दो कार्बन एटम तो देखो जिससे डिफरेंट ग्रुप अटैच हो, और दोनों कार्बन क्या होना चाहिए, सैचुरेटेड। लाइक अपने पास ये वाला अनसैचुरेटेड कार्बन एटम है, ये भी अनसैचुरेटेड है, तो मैं बोला सर ये वाला कार्बन देखें क्या, लेकिन यहां पे बच्चों क्या प्रॉब्लम क्या है, दो हाइड्रोजन अटैच है, सेम ग्रुप अटैच है, फिर ये कार्बन सेम H2, लेकिन इस कार्बन को देखा सर मैंने तो यहां एक हाइड्रोजन अटैच होगा और एक ये वाला ग्रुप अटैच होगा सर, ऐसा कुछ अटैच होगा, समझ में आ रही बात, तो दो डिफरेंट ग्रुप यहां पे तो अटैच है सर। फिर मैंने इसे चेक किया, नहीं इसे चेक किया, नहीं फिर इसे चेक किया, हाइड्रोजन सर और ये वाला एक ग्रुप अटैच है, तो यानी ये कार्बन और इस कार्बन के रिस्पेक्ट में जीआई पॉसिबल है। साइक्लो एल्केन इसे बोलोगे, टू सैचुरेटेड कार्बन एटम, ये भूल जाते बच्चे, ये वाला सिस्टम सब लोग भूल जाते हैं, उन्हें वो याद ही नहीं आता है, तो तुम्हें दो सैचुरेटेड कार्बन एटम मिलना चाहिए, उस कार्बन से दो डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए, तो जीआई पॉसिबल है। कितने सिस्टम हो गए, 1, 2 और ये 3, अनसिमेट्रिकल है, डायरेक्टली फॉर्मूला 2 to the power n, 2 to the power 3, आंसर 8, 8 जीआई बनेंगे इसके, समझ में आई बात, क्योंकि अनसिमेट्रिकल के लिए नंबर ऑफ जीआई इज 8, क्लियर है सबको, समझ में आई बात। अब अपन आगे देखते हैं थर्ड कंपाउंड, मुझे लग रहा है तुम लोग खुद से सॉल्व करो थर्ड कंपाउंड, बच्चों सोचो, सबसे पहले मेरा आंसर ये आना चाहिए कि अनसिमेट्रिकल है या सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है या सिमेट्रिकल है कंपाउंड थर्ड, बोलो जल्दी सर, थर्ड में को अनसिमेट्रिकल लग रहा है, कैसे, कितने कार्बन, 3, 5, 7, 9, 10, 10 में 5, 5 डिवाइड कर दे, 4, 5, तो बीच से डिवाइड करना होगा, कार्बन 13 करेंगे, इवन है। अब दोनों चेक किया मैंने सर, यहां CH2 मिला, यहां CH मिला, अरे सर डिफरेंट ही मिल रहा है, डबल बॉन्ड यहां पे सिंगल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, यहां सिंगल बॉन्ड है, मीन्स कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है, पहले तो ये पता चल गया। अब मेरे को ये सोचने पड़ेंगे कि कहां पर जीआई पॉसिबल है, ठीक है, याद करो ये मैंने क्यूमुलेटेड पॉलीन मोलार, जब भी डबल बॉन्ड कंटिन्यूअस होगा, मोर देन वन डबल बॉन्ड कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड हो तो क्यूमुलेटेड पॉलीन, और उस कंपाउंड के लिए मैंने क्या सिखाया था, जब सेम प्लेन में होगा तो जीआई पॉसिबल होगा, और सेम प्लेन में होगा तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कंटिन्यूअस कितने होने चाहिए, ऑड नंबर में, तो सेम प्लेन में होते हैं, यहां क्या है इवन नंबर में, दो ही डबल बॉन्ड है ना, फिर इसके बाद सिंगल बॉन्ड आ गया, यानी इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में जीआई नहीं होगा क्योंकि इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, और इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड क्यूमुलेटिव पॉलीन में जीआई नहीं करता है, समझ में आया, क्योंकि डिफरेंट प्लेन होता है। ओके, अब अपन आगे देखते हैं सर, ये वाला सिस्टम, ये डबल बॉन्ड, जहां भी डबल बॉन्ड दिखेगा बच्चों उसको सोचो, हाँ इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में जीआई पॉसिबल है क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन है और ये पूरा ग्रुप अटैच है, फिर इस कार्बन को सोचा ये हाइड्रोजन और ये पूरा ग्रुप, ठीक है, अब बोलो यहां पे डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड को सोचा तो यहां पे तो सर दोनों हाइड्रोजन ही अटैच है, सेम है, तो जीआई पॉसिबल नहीं है, तो कितने सिस्टम आए जिसमें जीआई पॉसिबल है, तो सर एक ही सिस्टम आया जिसमें जीआई पॉसिबल है, ये वाला सिस्टम। ओके, तो अपन इसी के लिए फाइंड आउट करेंगे, लेकिन है कैसा कंपाउंड, अनसिमेट्रिकल, तो 2 to the power n मीन्स 2 to the power 1 gives 2, आंसर 2 हो जाएगा, क्लियर है सबको, समझ में आई। थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन बताओ कैसा रहेगा, फोर्थ कैसे फाइंड आउट करोगे, फाइंड आउट करो नंबर ऑफ जीआई, सोचो क्या आएगा, आया क्या, बोलो बच्चों, इसका इस कंपाउंड का मैं इस साइड वाला रब कर दूं क्या, ये पूरा रब कर दूं, चलो पहले रब करते हैं और ट्राई करो सब लोग सॉल्व करने का, क्या होना चाहिए, वीडियो पॉज कर लो और कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिखो
और फिर सोचो कि ये पहले सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, जो सर ने बोला वो सब कुछ अप्लाई करो, फिर तुम्हारे क्वेश्चन नहीं होते तो बोलो, आंसर आएंगे तुम्हारे। लेकिन याद रखना कि लास्ट लेक्चर की बातें तुम्हें याद होनी चाहिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, तभी तुम्हारे क्वेश्चन ये सॉल्व होंगे। अगर तुमने लास्ट लेक्चर का कंडीशन फॉर जीआई नहीं समझा है, तुम्हें वो कंडीशन ही याद नहीं है जीआई का, तो तुम याद ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो लाइक अपने को कंडीशंस पहले देखने होंगे, मींस कहां पर जीआई पॉसिबल है वो देखना होगा। डबल बॉन्ड कहां कहां दिख रहा है, ये डबल बॉन्ड एल्कीन दिख रहा है, साइक्लोएल्कीन, सर ने बोला 8 कार्बन होना चाहिए, 3 कार्बन है, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में जीआई नहीं होगा सर, ठीक है, समझ में आई बात। चलो इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में हाँ सर होगा, क्यों नहीं होगा, इस कार्बन से 2 डिफरेंट ग्रुप है और यहां भी इस कार्बन से 2 डिफरेंट ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप और ये एक हाइड्रोजन, तो ये सर एक सिस्टम आया जिसमें जीआई पॉसिबल है। फिर सर ये चेक कर लेते हैं, यहां भी सर देखा कि कार्बन से हाइड्रोजन है और ये वाला ग्रुप हो गया, फिर इस कार्बन से हाइड्रोजन है, ये वाला ग्रुप हो गया, तो 2 डिफरेंट ग्रुप सर अटैच है, जीआई पॉसिबल है, दो ही आएगा क्या। फिर ये साइक्लो एल्केन को चेक कर लो, साइक्लो एल्केन के लिए क्या बोला था, लिखा है मैंने इस पे मिनिमम 2 सैचुरेटेड कार्बन एटम। देखो ये कार्बन, इस कार्बन से 2 सैचुरेटेड एटम का मतलब क्या है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, यहां हाइड्रोजन यहां मिथाइल, 2 डिफरेंट, यहां पे ये पूरा बड़ा सा यूनिट और एक हाइड्रोजन, तो ये दोनों जो ये दो कार्बन का साइक्लो एल्केन है, तो 2 सैचुरेटेड कार्बन एटम है जिससे दोनों डिफरेंट ग्रुप अटैच है, तो जीआई पॉसिबल है। तो ये एक सिस्टम होगा, तीसरा सिस्टम। तो बोलोगे सर यहां पर नहीं हो सकता है क्या जीआई, अगर ये वाला इस कार्बन से भी देखा तो एक हाइड्रोजन अटैच है और ये एक पूरा बड़ा सा यूनिट अटैच है, लेकिन आपने यहां देखा एक ही तो सैचुरेटेड कार्बन एटम है, दूसरा ये दोनों तो क्या है सर, ये दोनों तो अनसैचुरेटेड है, तो कैसे कंपेयर करें, 2 सैचुरेटेड एटम होना चाहिए भाई, रिंग के अंदर 2 सैचुरेटेड एटम होना चाहिए, साथ में उस सैचुरेटेड एटम से डिफरेंट यूनिट्स अटैच होने चाहिए तभी, समझ में आई बात, इसीलिए ये वाला कंपाउंड में तो जीआई पॉसिबल नहीं है। तो 1, 2, 3, अब तुम्हें ये चेक करना है सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, इस साइड जो स्ट्रक्चर है ये साइक्लो एल्कीन वाला है, लेकिन इस साइड साइक्लो एल्कीन है, देखो डबल बॉन्ड नहीं है भाई, दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर, बीच से कट करोगे तो इक्वल करके मिलेगा क्या, नहीं, तो ये अनसिमेट्रिकल है, सिंपल सा है, और अनसिमेट्रिकल है जो 2 to the power n, 2 to the power 3, 1, 2, 3 सिस्टम इज इक्वल टू 8, समझ में आई बात सबको, क्लियर हुआ, ये था। अब मैं तुम्हें क्वेश्चंस भी दूंगा, अपने पास प्रैक्टिस पेपर में जो क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व करो, नंबर ऑफ सिस्टम वेयर जीआई इज पॉसिबल बस तुम्हें आ गया, तुम्हारे क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाएंगे, क्योंकि सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल डिसाइड करना बहुत ही इजी होगा बच्चों, समझ में आई बात, तो ट्राई करना। इसके बाद अपन लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जीआई का, प्रॉपर्टीज ऑफ जीआई, फिर अपना जीआई कंप्लीट हो जाएगा, अपन नेक्स्ट लेक्चर में फिर स्टार्ट करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो प्रॉपर्टीज ऑफ जीआई अभी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है।